हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ बहुत लंबे टाइम बाद। जी दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एंसिलरी 2020। जिन कैंडिडेट ने आरटीआई लगवाया था कि सर मेरा आरटीआई लगा दीजिए, मुझे अपने मार्क्स चेक करना है, मुझे जानना है कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, मुझे पता करना है मेरे टेट टैक्स के मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स। तो दोस्तों, आप लोगों के आरटीआई का रिप्लाई आ गया है ऑलमोस्ट 50% लोगों का। जी दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में लगा है, कल परसों या नर्सों 3-4 दिन हुए हैं, उनका मैंने अभी चेक नहीं किया। मैं उनके नाम भी बता दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तब तक जिनका रिप्लाई आया है मैं आपको बताने वाला हूँ, चूंकि आपका रिप्लाई आया है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिर वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं और कैसा आप लोगों का रिप्लाई आया है। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक अभी कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल जो कि सजेस्ट करना चाहूंगा, बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं सर हमारे, आरएस एडुलाइन करके चैनल है, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं आपके ऑल एग्जाम के लिए। इंग्लिश यहाँ पर तैयार करवाई जाती है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अभी फिलहाल में सर ने आपके मध्य प्रदेश जेल पहरी के लिए क्लास स्टार्ट की है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सर को सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। आप इस चैनल पर आएंगे तो आपको आरएस एडुलाइन डालना रहेगा और मैं इस चैनल की लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ में फ्रेंड्स, मैं एक चैनल को और सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप भाई को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। चैनल का नाम हैज हेल्प पुर करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। भाई एक मुहिम चला रहे हैं जो कि गरीबों के यहाँ पे जाते हैं और गरीबों को आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। जी दोस्तों, चाहे वो पैसे के रूप में हो या फिर खाना पीना कुछ भी हो। भाई संतोष जो कि हमारी सब्सक्राइबर है, आरपीएफ एंसिलरी से हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया कि सर आप चैनल को प्लीज सपोर्ट करवाएं। तो मैंने बता दिया दोस्तों, आप इनके चैनल पर विजिट करें और इनको सपोर्ट करें। ओके, चलिए हम जानते हैं वीडियो में आखिर आप लोगों के आरटीआई की रिप्लाई क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले नाम निकल के आता है यहाँ पे, क्या नाम आता है, राकेश प्रभु महाली। तो आपका आरटीआई का रिप्लाई भी बहुत टाइम हो गया आए राकेश जी, आपको बता दें हम वीडियो नहीं बना पाए, बट आपका आरटीआई का रिप्लाई आ गया, आज आपको देखने को मिल जाएगा क्या है ना। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 27/8/2020 में डेट ऑफ फिलिंग ए था, आपने 27 तारीख को अप्लाई किया था अगस्त। ओके, और आपका बहुत टाइम हो गया रिप्लाई आया, मतलब कि 1 वीक के अंदर आपका रिप्लाई आ गया था। यहाँ पे आपका ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि पॉइंट ऐड नहीं है बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट पे, नाम देखते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगला नाम निकल के आता है अरविंद चौहान। अरविंद चौहान जी ने भी आरटीआई लगवाया था कि सर मेरा आरटीआई लगा देगी, मेरे को भी मार्क्स चेक करने हैं, कट ऑफ चेक करना है, एंड इसके साथ साथ टेस्ट के मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, सारी चीजें इनको भी जाननी थी। तो अरविंद जी, आपकी आरटीआई का रिप्लाई भी बाकायदा आ गया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगला नाम निकल के आता है सुभाषन सेन, ऐसा क्वेश्चन नाम है इनका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका भी आरटीआई का रिप्लाई आ गया जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। इन्होंने भी 28/8/2020 को अपने यहाँ पे मैंने इनका जो आरटीआई था वो फिल किया था। इसी प्रकार से दोस्तों, अगला कैंडिडेट है क्या, मुलाराम जी। दोस्तों, मुलाराम जी का भी आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या है इनके रिप्लाई में, क्या क्या है वो देखते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें और भी कैंडिडेट हैं जिनका आरटीआई लगा हुआ है, बट जितना का रिप्लाई आया है और मैंने देखा है उन लोगों के, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सुभाष सेन से, जो कि फर्स्ट मैंने बताया था कि इनका रिप्लाई आ गया है। तो यहाँ पे सुभाष सेन जी, आप देख सकते हैं जैसा आपका एड्रेस दिया है और आपके यहाँ पर रिप्लाई में बोले गए हैं, विद रिफरेंस टू योर रिक्वेस्ट मेड थ्रू आरटीआई एक्ट 2005 बाय योर एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन इन फर्निश्ड हियर अंडर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, सबसे पहले आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन थे 3 थे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का रिप्लाई आप देखिए, एज पर रिकॉर्ड यूर सीबीटी एग्जामिनेशन मार्क्स रो मार्क्स वास 18 एंड नॉर्मलाइज मार्क्स वास 21.89 एंड टेस्ट मार्क्स वास 16। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि रिकॉर्ड के अनुसार आपका जो लिखित एग्जाम हुआ था, मतलब कि सीबीटी, तो दोस्तों इसमें आपको नंबर मिले हैं कितने, 18 जी। सुभाष जी, आपको 18 नंबर मिले हैं आपके लिखित एग्जाम में, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आपका सीबीटी।
इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है 21, मतलब कि इंक्रीज हो गया 3 मार्क्स। ओके, 18 से आप पहुंच गए 21 पर, 21 से और ज़्यादा। इसके साथ साथ आपका जो टेट टेस्ट हुआ था टीटी, उसमें आपको मात्र और मात्र 16 नंबर मिले हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो इसका टोटल कर लीजिएगा, 21 में आप प्लस कर देना 16, तो आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा। अब सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था, रिप्लाई टू द क्वेरी लिंक, यहाँ पे लाइक बाय वर नॉट कॉलेड फॉर मेडिकल रीजंस डज नॉट इंक्लूड इन आरटीआई एक्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपने बोला है कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया मेडिकल के लिए, तो यहाँ पर आपका शायद बोला गया है डज नॉट इंक्लूड इन आरटीआई एक्ट, मतलब ये तो दोस्तों वो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आता, इसलिए बता नहीं सकते आपको ये बात। ओके, इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन क्या रहा, आज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स वाज लेस देन, मतलब आपका किस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने शायद ये पूछा होगा, तो आपको बोला गया है यहाँ पे, आप देखिए, आज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स वाज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप एफ, हेंस योर नेम वाज नॉट इंक्लूड यहाँ पे इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल। तो दोस्तों इसी वजह से आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, और बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है वो है। तो आपके आरटीआई का रिप्लाई आपको पता चल गया होगा उम्मीद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट का। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगला कैंडिडेट निकल के आता है राकेश प्रभु महाली। तो राकेश प्रभु महाली जी, आप भी देख सकते हैं आपका भी सेम बिल्कुल वही पोजिशन है, यहाँ पे एड्रेस दिया है, यहाँ पे जो बोला है, आप यहाँ पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आंसर देखें। यहाँ पे बोला गया एज पर रिकॉर्ड यूर सीबीटी एग्जामिनेशन रो मार्क्स वाज 18.33, मतलब आपको भी 18.33 नंबर मिले थे आपके सीबीटी में। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाज 19.43, मतलब 19 मार्क्स आपको मिले हैं किस में, नॉर्मलाइजेशन के बाद 18 से 19 हो गए आपके। एंड टीटी का मार्क्स आपका रहा क्या 20, ओके 20 आपको टी टेस्ट में मार्क्स मिले थे। और रिप्लाई टू द क्वेरी लाइक बाय वर नॉट कॉलेड फॉर मेडिकल रीजन्स तो डज नॉट इंक्लूड इन आरटीआई, जैसा कि उनको भी रिप्लाई आया था वैसे ही आपको है। और यहाँ पे एज पर रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स वाज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप एफ, हेंस योर नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल। तो दोस्तों आपके यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो टोटल मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट से कम है, इसी वजह से आपको फाइनली बुलाया नहीं गया, इसलिए आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब आप इसको क्या टोटल कर लेना आपके 19 और आपके 20 को, और आप आरपीएफ पेंसिलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पर आपका ऑफिशियल कट ऑफ मिलेगा, आप उससे मैच करिएगा आपका काम है कि ज़्यादा, यदि ज़्यादा है तो आपका वो कट ऑफ ज़्यादा है तो दोस्तों कोई बात ही नहीं, यदि कम है तो फिर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के ऊपर। तो दोस्तों अगला कैंडिडेट निकल के आता है मूलाराम। अब मूलाराम जी, आपके आरटीआई का रिप्लाई भी आ गया है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे मेरे पास, सर मेरा आरटीआई का रिप्लाई कब आएगा कब आएगा, तो आप देखिएगा है ना। एज पर रिकॉर्ड योर सीबीटी एग्जामिनेशन मार्क्स रो मार्क्स वाज 23, मतलब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ था, लिखित एग्जाम हुआ था, और आपको 23 नंबर उसमें मिले हैं। इसी के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स हो गए 27, मतलब यू आर लकी, आपके 4 मार्क्स बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ आपका टीटी जो हुआ था, टेट टेस्ट हुआ था, उसमें आपको 19 मार्क्स मात्र मिले हैं, ओनली 19 मार्क्स। अब बात करते हैं आपका भी यहाँ पे जो मेडिकल रीजन आपका क्यों नहीं बुलाया गया, तो आरटीआई एक्ट में नहीं आता। और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन रहा, आज पर रिकॉर्ड यूर टोटल मार्क्स वाज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ फॉर कॉन्स्टेबल एंसिलरी ग्रुप डी, हेंस योर नंबर्स नॉट इंक्लूड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्ट पैनल। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो हाई गए है आपके मार्क्स से, इसी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर वन बाई वन करके जो जो रिप्लाई आए थे आरटीआई के वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें एक और लास्ट रिप्लाई रह गया है, जो कि अरविंद चौहान जी का है। चलिए आप यहाँ पे देखिएगा अरविंद चौहान जी की जो जो क्वेश्चन थे यहाँ पर रिप्लाई देखिएगा। एज पर रिकॉर्ड योर सीबीटी एग्जामिनेशन मार्क्स रो मार्क्स वाज 32.33, ओके आपके मार्क्स अच्छे थे, आपको 32.33 मार्क्स मिले हैं सीबीटी में। एंड इसके साथ साथ आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स था वो भी 30, ओके आपका मार्क्स यहाँ पे कम गया, आपका 32 से 30 हो गया, आपके 2 मार्क्स लेस हो गए। फर्स्ट कैंडिडेट जिसके मार्क्स कम हैं,
इसके साथ साथ आपका जो टीटी का मार्क्स था वो आप देख सकते हैं 20। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टीटी का आपका मार्क्स मिला था आपको 20। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि मेडिकल रीजन नॉट आईटीआई एक्ट इंक्लूड। इसके साथ साथ आज का रिकॉर्ड योर टोटल मार्क्स वाज लेस देन फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ पॉसिबल एंसिलरी ग्रुप एफ हैज योर नाम वाज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड पैनल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट से कम है, इसलिए आपका जो पैनल है नाम आपके मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उम्मीद है सारे के सारे आईटीआई के रिप्लाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने बताया था, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। ओके, पॉज कर करके अच्छे से देख लेना, हर एक चीज़ का रिप्लाई मिल गया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई कमेंट है, तो बेझिझक करें, कमेंट्स बॉक्स में हम उसके रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी आईटीआई लगा दीजिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ नीचे जाना, रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका आईटीआई लगा दिया जाएगा बाकायदा। ओके, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।